31 मई 2024 स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। कल यानी कि 30 मई को रोहतांग पास में बहुत ही जबरदस्त स्नोफॉल हुआ था और पूरा का पूरा रोहतांग पास बिल्कुल बर्फ से सफेद हो चुका है। तो आज हम लोग रोहतांग पास जा रहे हैं और रोहतांग पास जाते हुए मनाली में कितना ट्रैफिक लगता है, कैसा वेदर है आज का, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो कम्प्लीट वीडियो देखिएगा और खूब सारा प्यार इस वीडियो को दीजिएगा। 5 बज के हुए हैं अभी 30 मिनट और हम लोग मॉल रोड से ऊपर जा रहे हैं ओल्ड मनाली की साइड। तो अभी जितना भी ट्रैफिक होता है वो होता है सारा स्नो पॉइंट के ऊपर मनाली में, बाकी टाइम ज़्यादा रश नहीं है। ये देखिए पूरा रोड यहाँ से तो खुला है लेकिन मॉल रोड के पास से बहुत लंबा ट्रैफिक लग चुका है अभी से पहले। और ये देखिए गाड़ियाँ जितनी भी आ रही है अभी ये सारी की सारी अभी स्नो पॉइंट की ओर जा रही है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड मनाली के अंदर। अभी लगभग मॉल रोड से यहाँ पहुंचने में हमें 20 मिनट लगे हैं क्योंकि यहाँ की कुछ गलियाँ हैं जो कि बहुत ही तंग है। तो बहुत बार होटल आप लेते हैं तो गलियों का पता नहीं होता कितना टाइम लगता है और उस वजह से काफ़ी सारा टाइम आपका लग जाता है। तो ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ये मनु मंदिर है जो कि मनु ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा है और जो मनाली शहर है उसका नाम भी मनु ऋषि के नाम पर ही पड़ा है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। लोकल साइट सीन में ये आता है और यहाँ तक आने के लिए अक्सर आपको पैदल आना पड़ता है रोड पे ट्रैफिक की वजह से। और कितनी मेहनत करते हैं पहाड़ी लोग, ये देख लीजिए क्या एज है आंटी जी की। और आंटी कहें कि दादी आप खुद अंदाज़ा लगाओ और ये देखो कितना सारा वजन लेके अभी चले हैं। तो अभी चेरी का सीजन यहाँ पे चला है, चेरी तैयार हो चुकी है। और ये देखिए ये पेड़ अखरोट का है, वालनट जिसको बोलते हैं। और यहाँ से जो गेस्ट का आज हमारा पिकअप था यहाँ किसी गली में है और वो यहाँ पे आके वो गली समझ ही नहीं आ रही हमें कौन सी गली के अंदर है और रास्ता इतना तंग है कि गाड़ी अंदर भी नहीं लेके जा सकते। तो यहीं पे गेस्ट को फ़ोन किया है और कम से कम भी 35 मिनट अभी हो चुके हैं यहाँ पे गेस्ट का वेट करते हुए और जो है यहाँ पे पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लग चुका है आज। तो देखते हैं रास्ते में कितना ट्रैफिक आज हमें मिलता है। और काफ़ी तंग गलियाँ हैं यहाँ की और बहुत सारे पुराने पुराने मकान ये देखिए आपको मिलते हैं ओल्ड मनाली आते हुए। और अभी देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ चली है सारी की सारी स्नो पॉइंट्स की ओर। अभी धूप होने लगी है हल्की हल्की और अभी कोठी गुलाबा के पास आपको दिखाएंगे कितना ट्रैफिक होता है सुबह के टाइम। कंटिन्यू गाड़ियां चली सारी की सारी स्नो पॉइंट ही जाना है सभी को। और अभी यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमें खड़े हुए और लगा है अभी लंबा ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर हम वेट करते हैं आगे क्या सीन बनता है अभी ट्रैफिक का और उसके बाद फिर आगे का डिसीजन लेंगे हम। तो आज मौसम साफ है और हवा चल रही बहुत ही तेज। ये जो पेड़ लहरा रहे हैं इनसे आपको शायद अंदाजा हो गया होगा। और अभी हम लोग पहुंचे हैं गुलाबा बैरियर। मनाली से गुलाबा बैरियर तक पहुँचने में हमें कितना समय लगा है ये आप देख सकते हैं। 11 बज के 30 मिनट अभी हुए हैं और हम लोग घर से लगभग 5 बजे के आसपास निकल गए थे। थोड़ा सा टाइम हमें लगा था ओल्ड मनाली के अंदर और यहाँ पे आके तो हिम्मत जवाब दे चुकी है, अब आगे जाने की हिम्मत है नहीं। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते भी है कि भैया हमें साथ ले चलो आप चलाना गाड़ी। तो अब गाड़ी को यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बाई चांस मैं खुद ड्राइव करके आया होता तो पूरा का पूरा दिन आज गाड़ी में ही बैठे जाना था। और 11:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं तो रोहतांग किस टाइम पहुँचेंगे इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिए। वापसी जो आज रिटर्न होएगा गाड़ियों का 8:30 से 9-10 बजे तक वो गाड़ियाँ वापसी आएगी और हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम लगे। तो अभी यहाँ से हम लोग बैक चलते हैं वापसी और वापसी में कितना ट्रैफिक कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको दिखाएँगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इतना ट्रैफिक आज किस वजह से लगा है।
कल रोहतांग पास में स्नोफॉल हुआ था और उस वजह से कुछ गाड़ियां बीच में ही वहां पे रानी नाला के आसपास फंस गई थी, नीचे नहीं आ पाई थी, तो फिसलन काफी ज्यादा हो गई थी। उस वजह से सुबह वो गाड़ियां निकली है और उस वजह से ये लंबा जाम लगा है आज। और एक बार यहाँ की ग्रीनरी देखिए और यहाँ का व्यू देखिए, बहुत अच्छी ग्रीनरी अभी हो गई है। और जो कल स्नोफॉल हुआ था वो हुआ था रोहतांग पास से अटल टनल तक। वो स्नो ज़्यादा जमने वाली नहीं थी, लेकिन 1-1.5 घंटे के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे फंस गई थी, कुछ स्नो की वजह से और कुछ फिर वो ट्रैफिक था उसकी वजह से। और टूरिस्ट आज बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं उस वजह से। ये देखिए बहुत दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लगी है। और गुलाबा बैरियर तक आने के लिए मैं खुद लगभग जो है 2 से 3 किलोमीटर दूर आया हूँ गाड़ी को नीचे छोड़ के। तो आज तो अच्छी बात यह है कि ड्राइवर साथ में था और कुछ सवारी भी थी जिनको हमने मनाली से पिकअप किया था। तो पूरा दिन भर आज वो परेशान ही रहने वाले हैं। तो अभी यहाँ से चलो रिटर्न हम लोग चलते हैं और रास्ते में देखते हैं ट्रैफिक मनाली तक कैसा हमें मिलता है। और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है तो कॉल करके भी किसी को नहीं बुला सकते पिकअप करने के लिए। तो थोड़ा नीचे कोठी के आसपास जाएंगे, वहाँ पे हमें नेटवर्क मिलेगा और वहाँ पे हम किसी को फिर बुलाते हैं लेने के लिए यहाँ पे, जिससे हम लोग मनाली वापस जा सके। तो ये देखिए पूरे रास्ते ही ट्रैफिक अभी लगा हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ टूरिस्ट को लेके चली है। और हो रहे आज सारे के सारे ट्रैफिक में परेशान। और मनाली से ये 20 किलोमीटर दूर है ये जगह, गुलाबा से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले। तो यहाँ से व्यू आते हैं बहुत ही सुंदर, व्यू मैं एक बार आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग शॉर्टकट लेके चलेंगे। और हवा तो इतनी तेज़ है आज, मतलब ऐसे जैसे कोई पीछे से पुश कर रहा हो, तो बहुत खतरनाक हवा चली हुई है आज। ये पेड़ कैसे लहरा रहे हैं दिख रहे होंगे आपको, और ट्रैफिक कहाँ तक लगा हुआ है। यहाँ पे ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगेगा। वो देखिए बहुत दूर तक ट्रैफिक की लाइन लगी है। और यहाँ के अभी ग्रीनरी के व्यू बहुत ही सुंदर, ये देखिए। तो अभी यहाँ से हम लोग शॉर्टकट लेके नीचे को चलते हैं। और कुछ तो टूरिस्ट भी पैदल जो है चल पड़े हैं ऊपर गाड़ियों को नीचे छोड़ के, उनको पता है कि ट्रैफिक काफी लगा हुआ है, तो चलो गाड़ी में बैठे बैठे हो गए परेशान, तो नीचे चल के चलो फोटोज वगैरह ले लेते हैं किसी अच्छे पॉइंट पे। तो कुछ लोग गाड़ियां छोड़ के ऊपर को चले हैं, ये देखिए दूर आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, और ड्रेस भी डाली हुई उन्होंने स्नो ड्रेस। तो स्नो ड्रेस बर्फ में खेलने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कल बहुत सारे टूरिस्ट स्नो ड्रेस नहीं लेके गए थे और उसके बाद जो स्नोफॉल हुआ वहाँ पे और उस स्नोफॉल के अंदर जो बुरा हाल हुआ उनका, गीले होने की वजह से, ठंड की वजह से, ये देखिए बहुत सारे टूरिस्ट अभी चले हैं पैदल ही ऊपर की ओर। और ये कितना ट्रैफिक लगा, ये देखिए लगातार गाड़ियां चली हुई है और हवा इतनी ठंडी इतनी तेज, बोला भी नहीं जा रहा। तो जो स्नोफॉल हुआ था रोहतांग में वो हुआ था 1 इंच के आसपास, एक बार के लिए सारी बर्फ सफेद हो गई है, लेकिन वो ज्यादा टिकेगी नहीं, वो आज जैसी धूप आई होगी उसके साथ साथ वो स्नो खत्म हो चुकी है। और ये देखिए अभी कितनी सारी गाड़ियां भी चली यहाँ से, आज तो बहुत बुरा हाल होने वाला। जितने भी टूरिस्ट आज रोहतांग जाएंगे तो वो आज ये बोलते हुए आएंगे आज के बाद हमें रोहतांग नहीं जाना, मनाली नहीं जाना। और सीनरी तो देखो एक बार कितनी प्यारी है, बेहद खूबसूरत सीनरीज है। लेकिन इसके साथ साथ जो परेशानी होगी अभी वो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। और ये देखिए गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें हर जगह,
पूरे रास्ते भर लगी हुई है। जहां तक भी देखो वहीं पे गाड़ियां ही गाड़ियां, बस हॉर्न की आवाज और गाड़ियां। इस ट्रैफिक की वजह से आज जो नेचर का मजा हम लोग लेते थे वो आज ले ही नहीं पा रहे हैं। केवल बस पेट्रोल डीजल के धुएं की बदबू अभी सुन पा रहे हैं। और ये देखिए, ये जंगल के बीच में से शॉर्टकट लेते हुए हम लोग चले हैं। और ग्रीनरी तो अभी बहुत ही अच्छी है। और ये पॉइंट कोठी कुलाबा के बीच में अगर आप पिकनिक के लिए आते हो तो बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है। तो अभी यहाँ से पैदल हम लोग शॉर्टकट लेते हुए देखते हैं कितना जल्दी हम लोग पहुँच पाते हैं। और शॉर्टकट लेते लेते हम पहुँच गए ऐसी जगह पे जहाँ से उतरना बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो रोड के साथ साथ भी आ सकते थे, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था और बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट थे। और यहाँ पे ये देखिए, ऐसे मोड़ पे आ गए हम जहाँ पे बिल्कुल रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। एकदम नीचे थोड़ा सा पांव फिसला तो आप गए एकदम नीचे। पक्षियों की आवाज़ बहुत ही प्यारी आ रही है। और ये देखिए, नीचे से कुछ गाड़ियाँ चली है। और यहाँ पे आके ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो गया है। लगातार चली तो है ये गाड़ियाँ, ये देखो एक एक करके टेम्पो गया, अभी इससे आगे अल्टो गई। और यहाँ से कई लोग पूछते गवर्नमेंट बस जाती है कि नहीं, तो वो बस भी अभी निकली है जो कि रोहतांग की ओर जा रही है यहाँ से मनाली से। तो आप लोग वो भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन का तो पता नहीं, लेकिन मनाली मॉल रोड से मिल जाती है SBT बस स्टैंड से। और रास्ता थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा है, बहुत पहले लोग गए होंगे। और अभी सूखे पत्ते पड़े हैं यहाँ पे जिसकी वजह से पाँव फिसल रहे। सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियाँ, बीच में वो ग्रिप नहीं बनने दे रही पाँव की। तो चलो थोड़ा थोड़ा रास्ता तो दिख रहा है, चलते हैं धीरे धीरे करके। और फोन को जेब में ही डाल लेते हैं, नहीं तो गिरने के चांस ज्यादा हैं। और इस पॉइंट से कोठी विलेज का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है। ये देखिए, काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे पेड़ हैं, काफी बड़े बड़े ये देवदार के पेड़ हैं। और पूरा का पूरा ये जंगल बहुत ही प्यारा लगता है। ऊपर साथ में ये आसमान आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीला आसमान, उसके बीच में ये सफ़ेद आइसक्रीम के बने हुए बादल। और ये स्वर्णिम वाटिका जो कि बहुत ही सुंदर है। ये स्वर्णिम वाटिका कोठी विलेज से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तब आती है। स्वर्णिम वाटिका इसका नाम है और इसी साल ये स्टार्ट हुई है। तो आप लोग जब मनाली के आसपास घूम रहे होते हैं तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। और ये यहाँ पे रोड पे आप देख सकते हैं अभी कोई इक्का दुक्का गाड़ी चली है। तो मनाली का कई लोग एक दो फोटो लेके जहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है तो उसका हवा बना देते हैं कि यहाँ पे इतने लंबा जाम है, ये है वो है, बहुत सारे टूरिस्ट है, कोई भी ना हो। तो मनाली जो टूरिस्ट अभी ट्रैफिक में फंस रहे वो फंस रहे केवल रोहतांग पास जाते हुए, क्योंकि रोहतांग पास का रास्ता जो है अभी ये कोठी कुलाबा के आसपास टूटा हुआ है, इसके ऊपर काम चला है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लगता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अभी मनाली के अंदर नहीं है। हमें भी होटल इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे 6 साल हो चुके हैं, तो इस साल काफ़ी कम टूरिस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। हम लोग अगर कंपेयर करते तो आप लोग आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात रोहतांग के ट्रैफिक की, तो कल हम लोग रोहतांग का भी कोई और ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, आप लोग परेशान ना हो इधर आते हुए। तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अभी तो हम मनाली की तरफ चलेंगे और वहाँ का भी नज़ारा कुछ दिखाएंगे आपको। तो आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। आज वैसे देखा जाए तो दिन हमारा बिल्कुल ही ख़राब हो गया। रोहतांग पास हम लोग जा रहे थे और ट्रैफिक इतना कि उससे परेशान होके
गुलाबा बैरियर से ही पैदल चल पड़े, और अभी हमारा कैमरामैन भी आ चुका है स्कूटी पे हमें लेने, और कार से इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मॉल रोड के आसपास अक्सर ट्रैफिक होता है। तो बजाय मूड खराब करने के, एक तो हमारे पास ये रास्ता था कि मूड खराब हो गया, हाँ पूरा दिन आज का खराब है, रोहतांग नहीं जा पाए, दूसरा ऑप्शन ये है कि इस व्यू का मजा ले, अभी कढ़ाई पनीर साथ में रोटी जो हम पैक करके लाए थे उसके मजे यहाँ पे लेते इस खूबसूरत से नेचर के बीच में। और यहाँ पे खाने का टेस्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे व्यू के बीच में जब बैठे होते हैं। नीचे इतनी ज्यादा गर्मी है, अभी कल किसी का कमेंट आया कहते मनाली मत आना बहुत ज्यादा गर्मी है और बर्फ केवल रोहतांग पास में है। तो रोहतांग पास में तो बर्फ मिल जाता है मई जून के अंदर, जबकि ये सर्दियों का मौसम होता भी नहीं, बर्फबारी का मौसम होता भी नहीं है, बावजूद उसके मनाली में आके आपको बर्फ तो मिल रही है। तो कुछ लोग होते हैं कितना ही कुछ उनको मिले रोने की आदत लगी रहती है। दूसरा जब नीचे 45-50 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे इतनी मस्त ठंडी हवा चली है, पेड़ों की छाया के बीच में बैठे हैं, इवन होटल के अंदर भी आपको कमरों के अंदर फैन एसी चलाने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे मनाली के होटल तो ऐसे हैं जहाँ पे फैन भी नहीं लगे रूम में और कस्टमर को जरूरत भी नहीं पड़ती, तो बहुत अच्छी जगह है। बाकी कंप्लेन करने वाले तो हर जगह ही करेंगे, तो जहाँ भी आप होते हैं उन परिस्थितियों का मजा लीजिए क्योंकि उसके अलावा तो ऑप्शन होता ही नहीं है अपने पास, या तो वहां पे बैठ के रहो या फिर उसका मजा लो, चॉइस आपके हाथ में है। और ये सोलंग वैली वाला रोड भी बिल्कुल खाली पड़ा है इस टाइम पे, कोई इक्का दुक्का गाड़ी चली है ये देखिए। और जो रोहतांग वाला रोड है यहाँ पे भी ये 2 मिनट के बाद एक गाड़ी गई है, बाकी पूरा रोड खाली पड़ा है। तो जो रश है वो होता है ज़्यादातर दिन के टाइम पे, उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं होता जब सुबह स्नो पॉइंट के लिए गाड़ियाँ निकलती है। अगर वो टाइम छोड़ दे तो दिन में बिल्कुल खाली पड़ा है मनाली, और उसके बाद ट्रैफिक होगा फिर शाम को 5 बजे के आसपास। और आगे सोलांग वैली की तरफ तो ट्रैफिक नहीं था, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक लगा है थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर हडिम्बा टेम्पल देखने और लोकल साइट सीन करने के लिए बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, तो उस वजह से इस मोड़ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है। बाकी तो लगभग यहाँ से लेके सोलांग वैली तक ऑलमोस्ट रोड क्लियर ही है। और ये नगर रोड भी देख सकते हैं आप, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है नगर रोड की साइड भी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वापसी निराश होके एक किस्म से, क्योंकि रोहतांग पास हमने जाना था और रोहतांग पास हम लोग नहीं जा पाए। और जितने भी आज टूरिस्ट गए हैं, कल को स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था रोहतांग पास में, उस वजह से गाड़ियाँ बहुत सारी वहाँ पे रानी नाला के आसपास फंसी थी, जिस वजह से थोड़ा सा जाम लगा और सुबह गाड़ियों को लेट छोड़ा गया। आज गुलाबा चेक पोस्ट जो थी वहाँ से 9 बजे के आसपास गाड़ियों को छोड़ा गया है, क्योंकि उससे पहले अगर गाड़ियाँ छोड़ते तो रोड पे बर्फ जमी मिलती और उस केस में गाड़ियां फिसलने का खतरा ज्यादा था, इस वजह से गाड़ियां लेट छोड़ी और उस वजह से बहुत लंबा ट्रैफिक लगा। हम लोग 5:30 के आसपास ऑलमोस्ट मॉल रोड के पास पहुंच गए थे और थोड़ा टाइम हमें ओल्ड मनाली के अंदर लगा, तो उसके बावजूद भी 11:30 के आसपास भी हम लोग बड़ी मुश्किल से गुलाबा चेक पोस्ट पहुँच पाए। लेकिन जब हम वहाँ से रिटर्न आए तो रास्ते में ट्रैफिक नहीं था, तो मनाली में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो जाम लगता है वो लगता है रोहतांग पास जाते हुए जो स्नो पॉइंट आता है, और बीच में थोड़ा बहुत रोड जहाँ पे टूटा हुआ है वहाँ पे ट्रैफिक लगता है। और उसी वीडियोस को कुछ लोग बड़ा चढ़ा के ऐसे दिखा देते, मनाली में इतने सारे टूरिस्ट है, रूम्स नहीं मिल रहे, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। तो ऐसी अफवाहों पे आप ध्यान ना दीजिए। रोहतांग पास तो आप स्नो के लिए जा ही सकते हैं, रोहतांग पास के अलावा 2-4 और ऑप्शन है जहाँ पे आप स्नो देख सकते हैं। अभी आप लोग शिनकुला टॉप जा सकते हैं, जिंगजिंग बार जा सकते हैं, और अगर एक नाइट आप बाहर स्टे कर सकते हैं तो आप बारलाचा क्रॉस करके सरचू वगैरह के अंदर भी रुक सकते हैं, जहाँ पे रास्ते में बारलाचा में आपको काफ़ी अच्छी स्नो मिल जाती है। और अगर सेम डे आपने रिटर्न करना है तो फिर आप जिंगजिंग बार स्नो के अंदर खूब सारी मस्ती करके वापस आ सकते हैं। तो अभी मौसम वैसे कल तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, लेकिन आज अच्छी खासी धूप है, और देख भी रहे आप हम लोग हाफ बाजू की टी शर्ट डाल के घूम रहे हैं,
धूप अच्छी खासी लगी है और धूप से बचाने के लिए गॉगल्स हमने लगाए हुए हैं। तो आप लोग आइए मनाली में, बहुत अच्छा लगेगा। और ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत तो है। आज तो जितने भी लोग गए हैं वो तो बड़े परेशान होके आएंगे और ये फीलिंग लेके आएंगे कि आज के बाद जो है मनाली हमने नहीं आना, इतना परेशान हो जाते हैं। और वो केवल रोड जो टूटा उसकी वजह से है, और थोड़ा बहुत जो कल स्नोफॉल हुआ था उसकी वजह से इतना लंबा ट्रैफिक लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मनाली की अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं, तो आपके नोन में किसी का मनाली का प्लान है तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ, ताकि वो लोग इन वीडियोस को देख के उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। और कल हम लोग कोशिश करेंगे रोहतांग या फिर बारालाचा या फिर शिनकुला पास, किसी अच्छी सी बर्फ की जगह पे जाएं और वो बर्फ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएं।